وبينات من الهدى والفرقان अब हम इन इश्कालात के उसूली पहलुओं की जाने बातें हैं। लिहाजा एक साहब ने लिखा है कि राकिम ने कोरोना वायरस के मुतालिक अहादीस के हकीकी माने मुराद लेने के बजाय मजाजी माने मुराद लिए हैं। साथ में इन्होंने ये भी लिखा है कि अहादीस मुबारक के मजाजी माने सिर्फ उसी वक्त लिए जा सकते हैं जब उसका हकीकी माना मुराद लेना मुहाल हो, वरना अहादीस के बेजा तावीलात करने से दीन बादिश अतफाल बन जाएगा। देखिए, यहाँ सबसे पहले कुरान और हदीस के अल्फाज के हकीकी माने और मजाजी माने की इस्तिलाही तारीफ समझना ज़रूरी है। किसी लफ्ज़ के हकीकी माने की इस्तिलाही तारीफ हस्ब-ए-ज़ैल है। अल-माना अल-हकीकी हुवा अल-माना अल्लज़ी उज़िया लहु अल-लफ़्ज़ु फ़िल अस्ल, यानी किसी लफ्ज़ के हकीकी माने से मुराद वो माने हैं जिसके लिए वो लफ्ज़ हकीकत में वज़ा किया गया हो। इसी तरह मजाज के इस्तिलाही माने हैं हुआ सर्फुल लफ्ज़ अनिल माना अज़्ज़ाहिर इलल माना अल मरजूह बिक़रीनतिन, यानी किसी लफ्ज़ को उसके ज़ाहिरी माने मुराद लेने के बजाय उसके मरजूह माने मुराद लेना किसी क़रीने के सबब। इस एतबार से अल्फाज के हकीकी माने का मेयार लुग़त है, यानी कि लुग़त ये तय करेगी कि किस लफ्ज़ से मुराद लिया गया मफ़हूम हकीकी है या मजाजी। अगर किसी लफ्ज़ से मुराद लिया जा रहा मफहूम लफ्जी और लुग़वी एतबार से उसका मुतहम्मल हो तो वो उसके हकीकी माने हैं, वरना वो उसके मजाजी माने कहलाएंगे। लिहाजा अगर किसी लफ्ज़ के ज़ाहरी और लुग़वी माने मुराद लिए जा रहे हों और फिर उसकी तस्दीक इल्म के किसी दूसरे ज़रिए मसलन जदीद साइंस से भी हो रही हो और फिर इस सिलसिले में मुराद लिए गए माने की तस्दीक इस सिलसिले में मरवी दूसरी अहादीस या कुरानी आयात में तदबीक से भी हो रही हो तो किसी भी लफ्ज़ के हकीकी माने बदर्ज औला वही होंगे। राकिल महरूफ ने मस्कूरा बाला अहादीस की तशरी में इसी उसूल को मद्देनज़र रखा है। लिहाजा ये तमाम अहादीस अपने माना और मफहूम में दो और दो चार की तरह वादे हैं। राकिम ने अपनी तसानीफ और मज़ामीन में जा बजा इसका तस्करा किया है कि ये दौर कुरान और हदीस के अल्फाज के हकीकी माने मुराद लेने का दौर है। लिहाजा असर हाजिर में इसी उसूल में कुरान मजीद और अहादीस मुबारका का अज़ीमुश्शान इल्मी एजाज पोशीदा है और मौजूदा दौर में कुरान मजीद और अहादीस मुबारका के जो इल्मी और साइंसी एजाजात ज़ाहिर हो रहे हैं वो कुरान और हदीस के अल्फाज को उनके हकीकी मानी पर महमूल करने में पोशीदा हैं। कुरान और हदीस के ऐसे अल्फाज जिनकी मानवियत असर हाजिर में जदीद साइंसी तहक़ीक़ात की रोशनी में उजागर होना मुक़द्दर थी, साबका दौर में बहालत मजबूरी उनका तावील के ज़रिए मरजू मफहूम मुराद लिया जाता था, मगर मौजूदा दौर में जदीद साइंसी तहक़ीक़ात की रोशनी में इनका हकीकी लुग़वी मफहूम वाज़े हो जाने के बाद अब हमें इन अल्फाज का मरजू मफहूम मुराद लेने की कुल्ली तौर पर ज़रूरत नहीं है। अल्फाज के हकीकी और मजाजी माने को एक मिसाल के ज़रिए समझा जा सकता है। राकिम की ज़ेर बहस तहक़ीक़ यानी कोरोना वायरस के ज़ुहूर की पेशिनगोई जब मंज़र आम पर आई तो एक साहब ने उस पर तस्सरा करते हुए कहा कि यह अहादीस कोरोना वायरस के मुतालिक नहीं हैं बल्कि दज्जाली फितने से मुतालिक हैं। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़ेर बहस अहादीस में एक ना नज़र आने वाले अंधे, बहरे और गूंगे फितने को दज्जाल पर महमूल करना इन अहादीस को उनके मजाजी माने पर महमूल करना है, और वो भी बग़ैर किसी करीने के। ज़ाहिर है कि जब हदीस के अल्फाज के लुग़वी माने यानी नज़र ना आने वाले अंधे, गूंगे और बहरे के हैं तो उनका इंतबाक दज्जाल पर कैसे किया जा सकता है, जबकि दज्जाल के मुतालिक हदीस के मुताले से मनसूस तौर पर मालूम होता है कि वो एक अज़ीम उलजुस्सा इंसान होगा और वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से होगा। दज्जाल के मुतालिक बहुत सारे औसाफ हदीस में बयान किए गए हैं, इंशाअल्लाह उन पर बहस किसी दूसरे मौके से की जाएगी। इन तमाम एतबारात से अंधे, गूंगे, बहरे फितने का इंतबाक दज्जाल पर किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। इसके बरखिलाफ ज़ेर बहस हदीस में इस फितने के मुतालिक बयान किए गए तमाम के तमाम औसाफ का इंतबाक लुग़वी एतबार से भी और जदीद साइंसी तहक़ीक़ात की रोशनी में भी दो टोक तौर पर बगैर किसी तावील के कोरोना वायरस की मौजूदा वबा पर पूरी तरह हो रहा है। लिहाजा इल्मी और उसूली तौर पर यही इसके हकीकी माने हैं। इस सिलसिले का दूसरा सवाल यह है कि यह बात उसूल के साथ कैसे कही जा सकती है कि अहादीस में मज़कूर फितना कोरोना वायरस ही है। किसी भी नई तहक़ीक़ के काबिल कबूल होने के का मेयार उसके हक़ में फराहम करदा दलाइल पर होता है। शरई दलाइल कुल चार अक़साम की हैं। पहला क़तई सबूत, दूसरा ज़न्नी सबूत, तीसरा क़तई दलाला, चौथा क़तई ज़न्नी दलाला। क़तई सबूत वो नुसूस हैं जो अपने लफ्ज़ और वजूद के एतबार से क़तई हों, जैसे कुरान मजीद। कुरान सारा का सारा क़तई सबूत है। इसी तरह हदीस मुतवातिरा तमाम के तमाम क़तई सबूत हैं। दूसरा ज़न्नी सबूत वो नुसूस हैं जिनके मकबूल होने में उम्मत का इख्तलाफ है, जैसे हदीस अहाद। तीसरा क़तई दलाला, यानी क़तई दलाला वो नुसूस हैं जिनसे मुराद लिया मफ़हूम मनसूस हो और उनका मफ़हूम उसके अलावा किसी और मफ़हूम का मुतहमल ना हो। ज़न्नी दलाला वो नुसूस हैं जो एक से ज़ायद मानी के मुतहमल हों। कुरान और अहादीस मुतवातिरा तमाम क़तई सबूत हैं, मगर माने और मफ़हूम के एतबार से उनमें से बाज़ क़तई दलाला हैं और बाज़ ज़न्नी दलाला। रुतबे के एतबार से सबसे आला वो नुसूस हैं जो क़तई सबूत और क़तई दलाला हों। इसके बरखिलाफ अखबार अहाद या अहादीस अहाद ज़न्नी सबूत हैं। अगर उनका मफ़हूम वाज़े और दो टोक है तो वो क़तई दलाला होते हैं, वरना वो ज़न्नी सबूत और ज़न्नी दलाला कहलाएंगे। अगर हदीस के किसी लफ्ज़ या बयान का मफ़हूम बग़ैर किसी तावील के वाज़े हो रहा हो, फिर उसकी तस्दीक़ इल्म के दूसरे ज़रिए जैसे जदीद साइंसी तहक़ीक़ात से भी हो रही हो और फिर उस सिलसिले में वारिद दूसरे कुरानी बयानात और अहादीस में मुकम्मल तौर पर तदबीक़ भी हो रही हो, तो फिर अहादीस से इन बयानात का दर्जा ज़न्नी सबूत से बतदरीज क़तई सबूत की तरफ बुलंद होता चला जाएगा। अलामात-ए-क़यामत और फितन के मुतालिक वारिद ज़्यादातर अहादीस अहाद के दर्जे की हैं। इनका ताल्लुक़ चूँकि मुस्तक़बिल में पेश आने वाले हादसात से है, जिनके ज़ुहूर से कुरान व हदीस के बड़े इल्मी एजाज़ात का ज़ुहूर होना था, इसलिए इस सिलसिले में मशीयत इलाही शायद यही रही हो कि ऐसी अहादीस को अहाद के दर्जे में रखा जाए, ताकि वक्त आने पर इसके दोहरे फ़वाइद सामने आएँ। पहला ये कि अहादीस का इल्मी एजाज़ सामने आए, तो दूसरी तरफ ये भी वादे हो जाए कि अहादीस अहाद जो दर्जे में अहादीस मुतवातिरा से कम दर्जे की हैं, जब सिहत में उनका यह हाल है तो लामहला तौर पर दूसरी तमाम अहादीस बल्कि कुल ज़ख़ीरे हदीस की सेहत का भी यही हाल होगा और तमाम ज़ख़ीरे हदीस की हुज्जियत पर इल्मी दलाइल फराहम होंगे। इस सिलसिले में एक उमूमी इश्काल ये आया है कि जो लोग हदीस की अहमियत को कम दर्जे में देखने के आदी हैं वो अबवाबुल फितन वाली हदीस को महल नज़र बताते हैं। इस पर इल्मी जवाब इनात फरमाएँ। राकिम अलामात-ए-क़यामत पर पिछले 10-12 साल से तहक़ीक़ कर रहा है। इस सिलसिले में राकिम के मद्देनज़र क़यामत की साइंसी अलामत रही हैं। राकिम ने अब तक ऐसी 100 से ज़ायद अलामात-ए-क़यामत कुरान हदीस से ढूंढ निकाली हैं जिनका ताल्लुक़ कायनाती और फ़िक्री मज़ाहिब से है। अकेडमी के मजले तामीर फ़िक्र में मौसमी तब्दीली और क़यामत के उन्वान के तहत अब तक इसकी तकरीबन 35 किस्तें शाया हो चुकी हैं और इनका बेशतर हिस्सा अब भी गैर मतबूआ है। ये मुबाहिस कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी शाया हो चुकी हैं। आप इन मज़ामीन का मुताला करें, ये सब इंटरनेट पर भी दस्तियाब हैं। इंशाअल्लाह इन तमाम मबाहिस को बहुत जल्द वीडियो के डॉक्यूमेंट्रीज़ की शक्ल में नशर किया जाएगा। इस सिलसिले में कुरान और हदीस में मज़कूर अलामात-ए-क़यामत के तदबीक़ी मुताले से मालूम होता है कि क़यामत का वक़ू एक ख़ालिस कायनाती और फ़ितरी मंज़र है। क़यामत की साइंसी अलामात के अलावा जितनी भी अलामात कुतुब फितन में बयान की गई हैं वो सब क़यामत की ख़ारजी अलामात हैं। इन मबाहिस के मुताले से वाज़ह हो जाएगा कि इस्लाम का तसव्वुर क़यामत एक कायनाती मुसल्लमा और फ़ितरी उसूल है। लिहाजा इस सिलसिले में अबवाबुल फितन में मज़कूर अलामात-ए-क़यामत की दूसरी अलामात के मुताले से पहले क़यामत की इन साइंसी और फ़ितरी अलामात का मुताला इंशाअल्लाह बहुत मुफीद और कारगर साबित होगा। इस सिलसिले का आखिरी सवाल यह है कि एक साहिल ने पूछा है कि आपने सिहाह सित्ता के अलावा से भी अहादीस नकल की हैं, इन अहादीस की सेहत को हम कैसे तस्लीम कर लें। लेकिन ज़ईफ़ अहादीस सिहाह सित्ता में भी हैं और सही अहादीस गैर कुतुब सिहाह सित्ता में भी हैं। इस सिलसिले में अहादीस की सेहत जांचने के दो तरीक़े हैं, एक रिवायती और दूसरा दिरायती। रिवायती तरीक़ा यह है कि किसी भी हदीस के रावियों के अहवाल व कवायद पर बहस करके उस हदीस का पाया मुतयन किया जाता है कि आया वो हदीस सही है या हसन है या ज़ईफ़ है या मौजू वगैरह। इसके बरखिलाफ हदीस की सेहत जांचने का दूसरा तरीक़ा दिरायती तरीक़ा है। इस तरीक़े में हदीस में बयान किए गए मारिफ की सेहत की तस्दीक दूसरे क़राइन के ज़रिए से हो रही हो, मसलन जदीद साइंस, तो ऐसी हदीस को जांच पड़ताल के बाद सही हदीस के ज़ुमरे में लाया जा सकता है, क्योंकि ऐसी हदीस जिनके उलूम व मारिफ की तस्दीक जदीद साइंस के ज़रिए हो रही हो, ये अपने आप में इस बात की दलील है कि उनका माखज़ वही इलाही हो सकता है। इस मौजू पर राकिम ने अपनी बासनीफ़ में तफसीली बहस की है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।